हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में। मैं ऑपरेटर्स पे ऑलरेडी 4 वीडियोस बना चुका हूँ, जहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। उन सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर की। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दो टाइप्स के मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि हैं इन और नॉट इन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम लिखूँगा आप लोगों को सभी को समझाने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे लूँगा ए इक्वल्स टू 10 एंड बी इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पर हमने ए की वैल्यू जो है हमारी 10 थी और बी की वैल्यू जो थी हमारी 20 थी। एंड देन मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ। लेट्स से माई लिस्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब मैं यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखूँगा, इफ़ ए इन लिस्ट, ए इन माई लिस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी लिस्ट में अगर हमारा ए हमारी लिस्ट में होगा, दैट इज़ इन, ये जो हम लोग मैं यहाँ पे इन लिख रहा हूँ मैं, ये है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। अगर हमारा ए हमारी इस माई लिस्ट में होगा, दैट मीन्स हमारा जो 8 to 10 की वैल्यू है, अगर वो हमारी लिस्ट में अवेलेबल होगा, ये जो हमारी लिस्ट है इसमें अगर अवेलेबल होगा, देन हम लोग यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट ए इज इन द लिस्ट, अगेन एल्स प्रिंट ए इज नॉट इन द लिस्ट। तो यहाँ पे जो मैंने इनका इस्तेमाल किया है, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में जो इफ की जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, यहाँ पे मैंने ए इन माई लिस्ट लिखा है। तो यहाँ पे जो हमारा जो इन है, इसे हम बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। यहाँ पर हम प्रोग्राम को बता रहे हैं कि अगर ए जो है हमारा इस, ये जो ए है हमारा ए 10, वो हमारी लिस्ट में अगर है कि नहीं, हमारी लिस्ट इसमें है कि नहीं, तो अगर वो होगा तो प्रिंट करेगा हमारा ए इज़ इन द लिस्ट, एंड अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो हमारा प्रिंट करेगा ये ए इज़ नॉट इन द लिस्ट। तो इफ और एल्स, तो ये था हमारा इन मेंबरशिप ऑपरेटर। तो अब हम बात करेंगे नॉट की। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ बी नॉट इन माय लिस्ट देन, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है नॉट इन, ये एक दूसरा ऑपरेटर है, दूसरा, ये तो हमारा दूसरा मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये हमारा, ये भी हमारा एक मेंबरशिप ऑपरेटर है और ये भी हमारा एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, इन और नॉट इन। तो अगर ये हमारी लिस्ट में नहीं होगा बी, तो प्रिंट कराएगा हमारा बी इज नॉट इन द लिस्ट, और एल्स प्रिंट बी इज इन द लिस्ट। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल लूँगा, लेट्स से सी इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाय ए। तो अब यहाँ पर अगर मैं इसमें लिखूँगा इफ सी इन माई लिस्ट देन प्रिंट सी इज इन द लिस्ट एल्स प्रिंट C is not in the list। तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे एक बारी। A की वैल्यू थी इनिशियली 10, B की वैल्यू इनिशियली हमारी थी 20, और हमने एक लिस्ट बनाई है जहाँ पर हम लोगों ने 5 नंबर्स को सेव किया। तो यहाँ पर हमने क्या क्या सेव किया, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो यहाँ पर मैंने एक इफ स्टेटमेंट लिखा, जहाँ पर मैंने लिखा है इफ़ A in my list, अगर हमारा जो A है वो हमारी लिस्ट में होगा, देन हमारा प्रिंट होगा A in is in the list। तो यहाँ पे जो इन है, इफ़ ए इन द लिस्ट, ये वाला जो इन है ये हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है। तो अगर यहाँ पे हमारा ए लिस्ट में होगा तो वो प्रिंट कराएगा ए इज़ इन द लिस्ट, और एल्स हमारा प्रिंट कराएगा ए इज़ नॉट इन द लिस्ट। अगर हम लोग ऐसे ही बी के लिए लिखा है हम लोगों ने, अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इफ़ बी इज़ नॉट इन माई लिस्ट, तो यहाँ पर जो नॉट इन लिखा है ये एक मेंबरशिप ऑपरेटर है, और अगर बी हमारे इस लिस्ट में नहीं होगा तो वो प्रिंट कराएगा बी इज़ नॉट इन द लिस्ट, एल्स अगर वो है तो बी इज़ इन द लिस्ट प्रिंट कराएगा।
तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि सी इज इक्वल्स टू इसी एक और नया वेरिएबल डिफाइन किया जहाँ पे मैंने बी डिवाइडेड बाई एक की वैल्यू डाल दी। तो अब 20 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ 2 अब हमारी सी में चली गई। तो अभी जो सी की वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है इफ़ सी इन माय लिस्ट विच इज़ 2 इन माय लिस्ट देन सी इज़ इन द लिस्ट। तो यहाँ पे हमारी जो सी की वैल्यू आनी चाहिए वो जो सी की वैल्यू जो 2 है वो ऑलरेडी हमारी इस लिस्ट में है। दैट मीन्स हमारा सी इज़ इन द लिस्ट प्रिंट होगा एंड एल्स सी इज़ नॉट इन द लिस्ट। तो अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे तो आना चाहिए ए इज़ नॉट इन द लिस्ट, ए इज़ नॉट इन द लिस्ट, देन आना चाहिए बी इज़ नॉट इन द लिस्ट एंड देन आना चाहिए सी इज़ इन द लिस्ट। तो अगर मैं इसको रन करूँगा यहाँ पर तो आप देख पाएंगे ए इज़ नॉट इन द लिस्ट क्योंकि 10 हमारी लिस्ट में नहीं था जो कि 1 से लेकर के 5 तक थी। हमने यहाँ इन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके यहाँ पे दो कंडीशन रखी थी, अगर वो लिस्ट में होगा तो प्रिंट होगा हमारा लिस्ट के अंदर है, नहीं तो हमारा प्रिंट होगा नॉट इन द लिस्ट। तो क्योंकि 10 नहीं था हमारी इस लिस्ट में इसलिए नॉट इन द लिस्ट प्रिंट हुआ। ऐसे ही अगर हम देखेंगे यहाँ पे बात करेंगे बी की, तो ऐसे ही बी के हम लोगों ने लिखा था नॉट इन माई लिस्ट। तो अगर बी की जो वैल्यू है यहाँ पे वो हमारी लिस्ट में नहीं थी, इस लिस्ट में नहीं थी जो कि 20 है, 20 हमारी इस लिस्ट में नहीं है इसलिए हमारा प्रिंट हुआ बी इज़ नॉट इन द लिस्ट। लेकिन जो हमारा जो सी वेरिएबल था उसमें मैंने क्या किया था, बी डिवाइडेड बाय ए कर दिया था, दैट मींस 20 डिवाइडेड बाय 10 विच इज़ 2 एंड 2 हमारी लिस्ट में है अवेलेबल, यहाँ हमारा 2 तो 2 हमारी लिस्ट में अवेलेबल है इसलिए यहाँ पे हुआ इफ़ सी इन माय लिस्ट देन प्रिंट सी इज़ इन द लिस्ट। तो ऐसा ही हुआ हमारा सी इज़ इन द लिस्ट आ गया। तो ये था हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में नीचे एक कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स होते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगा। और हमारे चैनल कोडर्स आर्किट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप सभी को एक नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।